नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए, आपका रिज्यूम किस टाइप का होना चाहिए। एंड दोस्तों, अक्सर करके आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता होगा कि बायोडाटा कैसे बनाएं, उसका फॉर्मेट कैसा हो। सो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में भी बताऊंगा, जिसे आप लोग अपने मोबाइल से किसी भी टाइप का रिज्यूम बायोडाटा खुद से बना सकते हैं, एंड आप किसी भी चॉइस सेंटर से इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं। एक्चुअल में मैंने कंपनियों में इंटरव्यू के दौरान इस पॉइंट को नोटिस किया है कि 50% लोगों को रिज्यूम की वजह से या तो वापस कर दिया जाता है या तो फिर रिज्यूम बनाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। सो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका बायोडाटा प्रोफेशनल एंड इसमें जो भी डिटेल आपने दी है वो देखने में ट्रस्टेड हो, इससे आपके रिटेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते टाइम आप लोगों के पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड रिज्यूम बायोडाटा। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर ही किसी प्लांट में आप जाएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी आप इंटरव्यू कम्प्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाता हूं, जिसे देखकर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन में जो रिज्यूम शो हो रहा है, ये एक प्रोफेशनल टाइप्स ऑफ रिज्यूम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेन हेडलाइन में नाम लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे डेजिग्नेशन है एंड साइड में इमेज लगी हुई है। हालाँकि इमेज लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बट इमेज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जिस किसी पर्सन का रिज्यूम है उसको इमेज के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, इमेज के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, स्किल्स एंड लैंग्वेज लिखी है। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इस साइड में हमारा वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो बायोडाटा में जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस डालें तो कम से कम 4 से 5 कंपनी का होना अनिवार्य होता है। साथ ही आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना जरूरी है बायोडाटा में, क्योंकि दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में जॉब के लिए मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है। और हाँ दोस्तों, आप जिस किसी कंपनी में वर्किंग कर चुके हैं उस कंपनी का पूरा नाम एंड एड्रेस जरूर लिखें पिन कोड के साथ में, इससे आपका बायोडाटा फुल प्रोफेशनल टाइप्स का लगेगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग ईयर्स के साथ मंथ एंड डेट जरूर लिखा करें। कुछ बायोडाटा में मैंने देखा है कि लोग सिर्फ ईयर्स ही डाल देते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने किसी प्लांट में 2018 में वर्किंग की, तो हमें सिर्फ 2018 नहीं लिखना है, उसके साथ में हमें डेट और मंथ भी लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 22 अप्रैल 2018। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या बेनिफिट होगा। सो मान लीजिए आपने लिखा 2018 से 2020 तक आपने वर्किंग की, पर आपका बायोडाटा देख कर ये कंसीडर करना मुश्किल है कि आपने उस कंपनी में 2 साल जॉब किया है या 1.5 साल किया है या 1 साल कुछ मंथ तक ही किया है। पर अगर आप ईयर्स के साथ डेट और मंथ दोनों डालते हैं तो अगला पर्सन जो भी है वो ये देखकर जरूर समझ जाएगा कि आपने कितने साल तक वर्किंग की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूम बायोडाटा मोबाइल से कैसे बनाएं। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर चले जाएं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ। ये ऊपर में आपको सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें लिखना है कैनवा। उसके बाद आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, फिर आपको ये वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप सिंपली अपने जीमेल से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ऊपर में ये आपको सर्च बार दिख रहा होगा,
इसमें आपको लिखना है रिज्यूम। जैसे ही रिज्यूम लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें से आपको रिज्यूम को सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट खुल के आ जाएंगे। अब आपको इसमें से जो भी बेटर लगे उससे सेलेक्ट कर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस फॉर्मेट के नीचे प्रो लिखा है, जैसे कि ये सब देख सकते हैं, उनको ओपन ना करें क्योंकि ये प्रीपेड हैं और इनके लिए आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा। बट हम यहाँ फ्री वाला सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो मैं ये वाला मैटर पहले से ही सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने ओनली मंथ एंड ईयर्स फिल्ड किया हुआ है। अब इसमें डेट को ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें टाइप भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो काफ़ी सिंपल हैं। बस एक बार आप ट्राई करेंगे तो काफ़ी ईजिली तरीके से आप रिज्यूम बनाना सीख जाएंगे। सो एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।